मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये किसी ने सवाल किया है, हजरत बाद अस्सलाम अर्ज है कि आप साहिब जिस तरह से कोरोना से डरा रहे हैं लोगों को, खामखा डरा रहे हो, गोया कि आपको रोज आपको और जामेतुर रशीद को कोरोना की तशहीर का टास्क दिया गया हो, खुदारा उलमाए हक का किरदार अदा करते हुए कोरोना जैसी दज्जाली साजिश की तशहीर से बाज आ जाओ और उम्मत को हौसला दो। आप लोगों से इस मामले में मजहबी तबके में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। असल में मजहबी तबके का एक बहुत बड़ा हेडिक ये है कि जो काम मजहबी लोगों का नहीं है उसमें भी मजहबी तबका टांग अड़ाता है। इससे नुकसान ये होता है कि जो लिबरल लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मजहब से दूर होते हैं। जिनके पास ऑथेंटिक मालूमात होती हैं, जिनके पास सही इल्म होता है, वो कहते हैं कि इनको बेचारों को क्या पता। तो हमें ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई टास्क दिया गया है, ना जामेतुर रशीद को ऐसा कोई टास्क दिया गया है। जामेतुर रशीद की जो बड़े हजरात हैं उनकी कोशिश होती है कि जब भी कोई बात हो तो वो बिल्कुल उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, इसकी हकीकत क्या है। तो जब ये कोरोना मार्केट में आया, चाइना में सबसे पहले आया, तो बास डॉक्टरों ने पेशगोई की कि पूरी दुनिया में फैलेगा। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कोरोना के खिलाफ क्लिप हमारे मुल्क में भी, ये यहूदी साजिश, ये चाइना ने खुद फैलाया, ये वगैरह वगैरह। हमारे उलमा की कोशिश होती है, मेरी भी टूटी फूटी कोशिश होती है कि बजाय इसके कि ऐसी बात करो जिससे बाद में रुजू करना पड़े, पहली दफ़ा में ही जो मुतल्लिका उमूर के माहिरीन हैं उन तक पहुँचो। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तहकीक की, बहुत गहराई में घुस के रिपोर्ट पेश की अपनी तहकीक उनकी, कि भाई ये हकीकत में एक वबा है जो पूरी दुनिया को लपेटेगी, लाखों लोगों को मौत के घाट उतारेगी, और जो जामेतुर रशीद ने पहले दिन कहा था आज तक उसी पे कायम है और दुनिया ने आज अपनी आंखों से देख लिया। हजरत मुफ्ती अज़हर अली साहब की शहादत हुई कोरोना से, ठीक है, बयान तो ये आया कि कोरोना नहीं है, उस वक्त हमने भी नहीं छेड़ा कि अजीब मसला ना खड़ा हो जाए। मुफ्ती नईम साहब जो बिनोरी टाउन वाले, बिनोरिया वाले, वो कोरोना से उनका इंतकाल हुआ। जामिया के एक बुजुर्ग उस्ताद थे चिश्ती साहब, उनका कोरोना से इंतकाल हुआ। इंडिया के दर्जनों बुजुर्गों का, रायवंड के दर्जनों बुजुर्गों का कोरोना से इंतकाल हो गया। और अगर आप सर्वे करना चाहो, हमारे मुल्क में तो सर्वे सही होता ही नहीं है, ये मौलवी साहब हैं दूसरी शादी भी कर रहे हैं, ये यहूदियों के एजेंट होते तो कम अज़ कम दूसरी शादी ना कर रहे होते। अभी मैं इनका दूसरी शादी का निकाह पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। तो ये इनके ससुर को कोरोना हुआ इनके, और इसीलिए तो नहीं दूसरी शादी कर रहे कि ससुर को कोरोना हुआ उनके सर का। बहुत दफ़ा ही होता है ससुर को तो कोरोना हुआ है, कौन पकड़ेगा उनको, हैं ठीक हो गए चलो। से मुझे हुआ है कोरोना और मैं मरने लगा था, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने शिफा दी। तो जो जामेतुर रशीद की जो पहले दिन बात थी आज भी क्या है वही है, लेकिन आप देखो जो उनके खिलाफ तहकीक थी, रोजाना पैंतरे बदले उन्होंने, रोजाना। शुरू में कहा ये है ही नहीं, प्रोपेगंडा है, बाद में कहा है मगर फैलाया है अमरीका ने, कभी कह रहे थे चाइना ने फैलाया, कभी कह रहे अमरीका ने, कभी कह रहे यहूदी ने। यहूदियों के मजहबी लोगों ने भी इसके खिलाफ जुलूस निकाला है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन, अभी जामिया के उस्ताद की वीडियो चल रही है कि उनके कोरोना की वैक्सीन लगी और इतना बड़ा घोड़ा आ गया। जामिया में 2,500-3,000 लोग हैं मुझ समेत, सब ने वैक्सीन लगाई है, ना किसी को फोड़ा निकला, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह मरा। एक आदमी को फोड़ा इत्तेफाक से भी निकल सकता है, जामिया कोई फोड़ा प्रूफ नहीं है जामेतुर रशीद कि किसी को क्यामत तक कभी किसी को फोड़ा निकले गए। और वैसे भी वो शुगर के मरीज थे, शुगर के मरीजों को जख्म खराब हो जाता है जल्दी, हो सकता है लगाने वाले ने बेहतियाती की। एक दफ़ा मेरे पास वीडियो आई कि एक साहब को कोरोना की वैक्सीन लगी और वैक्सीन लगने के आधे घंटे बाद उनका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। मैंने वो बड़े डॉक्टर्स हैं जो उलमा से जिनका ताल्लुक है, कोई यहूदी एजेंट नहीं, उनको वीडियो भेजी, उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग रही है, इन करोड़ों में कुछ ऐसे हैं जिनकी मौत का टाइम आ चुका है, उसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको आधे घंटे बाद हार्ट अटैक से मरना था। अभी ये जो इंडिया का अदाकार 40 साल में हार्ट अटैक से मरा है, इसने तो वैक्सीन नहीं लगाई थी, अचानक मर गया। तो ऐसे बहुत से लोगों ने अचानक मरना होता है, इत्तेफाक से वो आधा घंटा पहले वैक्सीन भी लगाए थे, तो सारा किसके खाते में डाल दिया, टीके लगाए तो ये मरे हैं।
जब आप माहिरीन से रابطہ करोगे ना, ये मुफ्तियों या मजहबी लोगों की फील्ड नहीं है, ये माहिरीन की फील्ड है। कोरोना उलमा का काम नहीं है, ये मजहबी लोगों का की फील्ड ही नहीं है। जरा से बीमार होते हो कि मुफ्ती के पास जाते हो। टाइफाइड की जब वैक्सीन लग रही थी तो एक अस्पताल से रिपोर्ट आई कि 3 बच्चों को लगी और 3 लंबे हो गए। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और ये टाइफाइड। मैंने डॉक्टरों से, एक डॉक्टर से नहीं पूछता, मैं कई लोगों से पूछता, उन्होंने कहा बकवास है, बिल्कुल फेक है। हालांकि वो कोई यहूदी एजेंट नहीं, फजर की नमाज हमारे साथ पढ़ते हैं वो डॉक्टर। यहूदियों को सुबह शाम बुरा वाला कहते हैं वो, ठीक है ना। उन्होंने कहा फेक है। मैंने कहा हजरत ये, उन्होंने कहा भाई ये फेक इस माना में है कि इस टाइफाइड के सैकड़ों हजारों में चंद लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं। ये जो वैक्सीन जब लगती है ना तो हजारों में चंद लोगों को वक्ती तौर पे होता है। तो ये बच्चे भी उस हॉस्पिटल में वक्ती तौर पर बीमार हुए हैं, कल ठीक, अब तक ठीक हो चुके होंगे। और वाकई हमने तहकीक की, वो ठीक होके अपने घर जा चुके थे। हजारों में 2-3 को वक्ती, हमारा गार्ड है उसको वैक्सीन लगी, ये बीमार हो गया, 2-3 हफ्ते बीमार रहिए वाला नहीं, दूसरा ये खुश हो रहे मेरी बातें हो रही है, 3 हफ्ते बाद ठीक हो गया वो। तो हजारों में कुछ को होता ही है कि जब वैक्सीन आपकी बॉडी में दाखिल की जाती है तो वायरस छोड़ा जाता है, तो उस वायरस में जाके असर तो करना है ना, ताकि एंटीबॉडीज बने। तो बाज दफा वो असर 3 हफ्ते तक रहता है, वो बीमार हो जाता है। तो वो बीमारी बड़ी बीमारी से बचा रही है आपको। दूसरी बात ये है कि बाज दफा ये भी होता है कि आपको पहले से कोरोना का अटैक हो, वैक्सीन लग के वो और ज्यादा हो गया, लेकिन वो डेंजरस नहीं होता क्योंकि एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, वो आपको बचा लेती हैं। बाज ये भी कह रहे हैं उधर वैक्सीन लगी, उधर भी फिर भी कोरोना हुआ, फिर भी हुआ, लेकिन मरता नहीं आमतौर पर। जो डेथ रेशो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं भी दोबारा बीमार हुआ था तो गालिब यही था कि मुझे दोबारा कोरोना हुआ है, लेकिन उस शिद्दत का नहीं था, क्योंकि जो मजमे में रहते हैं उनको ज्यादा खतरा होता है मिलने। तो ये सब प्रोपेगंडा है। बाज दफा लोग कहते हैं उसने तो इतनी एहतियात की उसको फिर भी हो गया, और फलाने तो बिल्कुल भी एहतियात नहीं की उसको नहीं हो रहा। 2 आदमियों से रिपोर्टें मुरतब नहीं होती। आप 100 आदमी देखोगे ना जिनमें 90 को कोरोना हुआ है, इनमें 90 वो होंगे जो एहतियात नहीं करते थे, 10 ऐसे होंगे जिनको एहतियात के बावजूद हो गया। और इसी तरह इसके अपोजिट भी है। हम ऐसे उलमा को जानते हैं पहले दिन से बे इंतहा एहतियात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ भी नहीं, बचे हुए हैं। लेकिन चंद ऐसे भी हैं एहतियात के बावजूद हो जाता है। तो हम तो जाहिर के मुकल्लफ हैं, एहतियात के मुकल्लफ हैं। तो ना जामियतुर रशीद गवर्नमेंट का पिट्ठू है, ना फौज का पिट्ठू है। जरा सी कोई बात कर लो तो भाई, एक जामियतुर रशीद का मौकिफ ये है कि एक कंट्री है आपका, एक मुल्क है, उसको तरक्की देनी है, उसकी आर्मी को अप्रिशिएट करना है, उसकी गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम करे तो गवर्नमेंट में इमरान खान होगा तो वो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, नवाज शरीफ होगा तो उसको भी करेंगे। उनकी एक पॉलिसी है कि हुक्मरानों के खिलाफ तकरीरें करके उनकी टांगे खींच के कख भी हासिल नहीं होता। अवाम जिंदाबाद के नारे लगाती है, हक परस्त हक परस्त, ये नहीं देखती कि हक परस्ती में करके क्या गया ये, सिवाय लोगों। और मैंने बहुत से, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग देखे हैं मिंबर पे सुबह शाम फौज के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब उनको वेट लिफ्टिंग का टाइम मिलता है, या आप डिक्शनरी में वेट लिफ्टिंग का मतलब देख ले जाके, जब उनको फौजियों की मक्खन लगाने का अपने जाति मफाद के लिए टाइम मिलता है तो सबसे ज्यादा बूट पॉलिश ये लोग कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कहीं आप सब उलमा को, बहुत ज्यादा मिंबर पे होंगे फौजी ऐसे फौजी वैसे, जरा सा आप देखो अपना मौका मिले, अपने बच्चों को फौज में आर्मी में भर्ती कराया हुआ है, अपने बच्चों को आर्मी में भर्ती कराया हुआ है, अपने बच्चों को सारे गवर्नमेंट के इदारों में भेजने। तो भाई बोलना बहुत आसान होता है, पब्लिक के उसूल कुछ और होते हैं। पब्लिक को खुश करने के लिए तो यही है कि कोरोना यहूदी साजिश, और फौज भी ऐसी और एजेंसियां भी ऐसी और हुकूमत भी ऐसी और सारे ऐसे और सारे ऐसे। फौज क्या कि हक परस्त आदमी है, तूने हक परस्ती करके कौम को फायदा क्या पहुंचाया, एक धेले का तो कोई अच्छा कानून नहीं पास करा सका। आपको पता है अभी मैं बातें जामियतुर रशीद की तरफ से भी मुझे इजाजत नहीं है हर सब बता के, सब कुछ जो है ना आपके सामने एक्सपोज करने की, वो इन चीजों के गायब हो तो कहते हैं इतराजात के जवाब ही ना तो काम में लगे रहो, उनकी पॉलिसी ये है। तो मैं इतना भी मैंने अपनी तरफ से कह दिया है, बातें सही की हैं लेकिन उनकी परमिशन नहीं है। एक जज थे, बहुत कुछ कर रहे थे, जामियतुर रशीद वालों उनको बुलाया, उनको कॉन्वोकेशन में बुला के उनको खिलाया पिलाया, उनसे दोस्ती लगाई, उनको बड़ा इकराम किया, उनको पहली दफा मौलवियों ने इज्जत दी थी, उनको मोहब्बत से बिठा के समझाया कि आप ये कानून है कादियानियों के बारे में था ये पास करें आप, और हो क्या रहा है कि हम नारेबाजियों में तो टाइम बहुत लगा रहे हैं
लेकिन कादियानी अपनी शनाख्त छुपा के कहाँ चले जाते हैं, ऊपर के ओहदों पर। उनको बड़ी मोहब्बत से इज्जत, जब भी आप किसी से कोई काम लेंगे तो बदतमीजी के साथ नहीं होता कि सारे जजेस चोर, सुप्रीम कोर्ट का जज चोर, वो आके कहेगा तुम तो मुझे चोर कह रहे थे, अब मैं क्या करूंगा। मैं डीसी का वाक्य सुनाता हूँ अभी आपको, आप उससे समझ में आएगा आपको क्या होता है। जामे तुर्शी द्वारा उनको बुला के समझाया बिठाया कि कादियानियों के बारे में आप एक कानून पास कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, केस वो भी मुसलमान है भाई, जैसा मर्जी हो, जज मुसलमान है, वो कोई कादियानियों से उसके ताल्लुकात नहीं है। उसने कहा ठीक है जी, प्रोसेस अदालत का ही है कि आप कुछ उलमा केस करें और फिर हम समाप्त करेंगे और वो लॉ क्या हो जाएगा पास। जामे तो रशीद ने शिया आलिम भी भेजे, अहले हदीस आलिम भी भेजे, बरेलवी आलिम भी भेजे, देवबंदी आलिम भी भेजे। क्यों? जामे तो रशीद इन चारों को इसलिए लेकर आ रहा है ताकि जज के सामने ये तासुर ना जाए कि ये अपने मसलक को प्रमोट कर रहे हैं। ये सब काम सियासतन करने पड़ते हैं। लेकिन जज ने कहा, जज के अल्फाज हैं, मैं जज का नाम नहीं बताऊंगा, खामखा में फिर आप वो फिर मसला खराब ना हो जाए। जज ने कहा कि जितना अच्छी तैयारी जामियतुर रशीद के मुफ्ती की थी, मैंने तीनों को सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बोलने की इजाजत दी है, जो खानदानी तैयारी इन्होंने की थी और जितना अच्छा वो बोले हैं इतना कोई भी नहीं बोला है। और अल्हम्दुलिल्लाह केस जीत के लॉ पास हुआ कि कादियानी अपनी शनाख्त छुपा के किसी ओहदे पे नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ा मुल्क का तारीखी काम हुआ है जो जामियतुर रशीद के हाथों अल्लाह ने लिया है। अगर वो कहते रहते ये ऐसे पिट्ठू हुए, यूं पिट्ठू हुए, तो आवाम तो कहेगी हक परस्त है। तो काम क्या करा दिया आपने? जो काम धरनों से जुलूसों से नहीं हो सका वो काम तमीज से हो गया। धरने भी अपनी जगह ठीक है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा। अब मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं। मैंने पिछले हफ्ते बयान किया था कि डीसी साहब मुझसे मिलना चाह रहे हैं, बल्कि मिलने से पहले की बात कर रहा हूं, मिलना नहीं चाह रहे। मैंने कहा अगर डीसी साहब, उन्होंने कोई रابطہ नहीं किया था मुझसे, डीसी साहब मुझसे मिले तो मैं गटर के ढक्कन पे उनको बिठाऊंगा, क्योंकि हमारी गलियों के गटर क्या हो रहे हैं बोलो ना। बहरे कल मैंने खानदानी भंगी बुलाया है गार्ड से, मैंने बोला कोई ऐसा भंगी लाओ जो बड़ा खानदानी हो, गटरों को शीशे की तरह चमका दे। तो यही गार्ड हंस रहा था, कह रहा भंगी और खानदानी। मैंने कहा भंगियों में भी खानदानी होते हैं जो तमीज से काम करें। तो बाहर ये लेकर आया और अल्लाह का शुक्र है सारे महल्ले वाले मुझसे खुश हो गए, पैसे एक रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं। कैसे टाइट खानदानी गटर साफ हो गए, ये खुश हो गए यार मुफ्ती साहब ने इतना अच्छा काम करा दिया। पैसे मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, ये नहीं क्या इतना अच्छा काम करा दिया था चलो आधे पैसे हमारी तरफ से। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने बहुत लोगों में, बाहर महल्ले वालों की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। तो डीसी के बारे में मैंने कहा डीसी से अगर मैं मिलूंगा ना तो उसको गटर के ढक्कन पे जाओ उबल रहा है ना वहां चाय का इंतजाम करूंगा। ये बयान पहुंच गया डीसी साहब के घर में। अब ये तो बेइज्जती की बात है ना डीसी की भी, हर जगह जा रहे हैं लोग दिखा रहे हैं तुम्हारे बारे में गटर के ढक्कन, ये तुम लोग की हरकतें, इससे काम होता नहीं है। इससे अगले के दिल में क्या पैदा होगी? नफरत, यार इन मौलवियों ने हमारा तो जनाजा निकाल दिया ना, इसे मुझे कभी रابطہ किए बोलते। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि मुझे इत्तला मिली कि डीसी साहब के घर में ये बयान शॉर्ट क्लिप सुना जा रहा है और वो डीसी बयान सुनते भी हैं और इज्जत हो गई। हमारे खिलाफ कोई बोले तो कितनी बेइज्जती। मैंने डीसी साहब को नंबर तलाश करवा के फोन किया, मैंने कहा पहले तो माजरत। तो बड़े खुश हुए, माजरत जब मैंने की बड़े खुश हुए और कहने मुफ्ती साहब मैं आऊँगा, जहाँ जहाँ इलाके का जो काम है आप मुझे बताएं। तो इस तमीज़ से हो गया ना, तमीज से हो गया। तो हुक्मरानों के खिलाफ तकरीरें करते रहो, ये ऐसा ये वैसा ये नाम ले लेके, उमूमी तौर पर अगर कोई कहे तो इतना बुरा नहीं है, नाम ले लेके तकरीरें करोगे भाई ये काम नहीं होगा। अल्लाह ने हाकिम की नेचर बनाई है कि वो सबसे पहले रिस्पेक्ट चाहता है, इज्जत। इज्जत दोगे तो अब देखो ना, यही चीजें जब थाने जाते हैं तो समझ में आ जाती है। पुलिस वालों को बुरा भला कहते रहते हैं लेकिन थाने में जाएंगे तो यस सर, वहां करना हक बयान कर। हमसे कहते हैं यहां मिंबर पे बैठ के एसएचओ के खिलाफ बयान करो, हक बयान करो। ओ भाई तुम जाओ उसके मुंह पे हक बयान करो, वहां जाके तो तुम भीगी बिल्ली बने रहते हो। अल्लाह का शुक्र है हम जैसे यहां हैं उसके सामने भी वैसे, कोई मक्खन नहीं लगाते, कोई इजाफी तारीफें नहीं करते, बस तमीज से बैठते हैं। ये काम है आपसे, आपके बारे में मैंने फरमाया था कि आप आराम फरमा रहे थे दिन में, लेकिन रात को अल्हम्दुलिल्लाह आप जागते हैं।
प्लस माइनस हो गया, हिसाब बराबर हो गया। तो ये जामे तो रशीद की पॉलिसी है, बाकी मैं जितना जामे तो रशीद को जानता हूँ बाहर के लोग नहीं जानते। मैं जामे तो रशीद के असातिज़ा बड़ों के साथ कितने साल हो गए, 27 साल से हूँ उनको, मैंने इतने करीब से इन बुज़ुर्गों को देखा है। ठीक है, इनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, ये कोई दूध के धुले हुए या फरिश्ते नहीं है, इंसान है, गलती भी हो सकती है, लेकिन इखलास पे आपको शुभा करने का बिल्कुल हक नहीं। कि इनका एक साहब ने कहा जो नया बोर्ड बनाया हुकूमत ने बना के दिया इनको, मैंने कहा कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड किया है। तो रजिस्टर्ड तो गवर्नमेंट ने विफाकुल मदारिस को भी किया, सबको गवर्नमेंट ही करती है। नया बोर्ड का मकसद ना उम्मत को तोड़ना है, वो अभी भी उनके अकाबिर हैं, और विफाक से इल्हाक भी उन्होंने खुद थोड़ी ख़त्म किया, विफाक वालों ने इल्हाक ख़त्म किया है। उनकी तो रिक्वेस्ट थी कि हमारा, हम विफाक से साथ कायम रहना चाहते हैं। लेकिन चलो, आपकी राय में इख्तलाफ हो सकता है, आपको भाई हमारी राय में ये ठीक काम नहीं है, वो कह रहे हैं हमारी राय में ठीक काम है, हमें ज़रूरत है इसकी। अब आप उनसे मिलो तो वो आपको ज़रूरत की पूरी लिस्ट पेश करेंगे आपके सामने, भाई ये मजबूरियाँ हैं हमारी, ये ज़रूरतें, हम इस नहज पर काम करना चाहते हैं। बस ऐसा ही फेसबुक पर एक जंग छिड़ी हुई है, वो ऐसे हुई है यूं, हम सारे उलमा के कायल हैं। बिनोरी टाउन से जो अल्लाह ने दीन का काम लिया है उसको कौन इंकार कर सकता है। मेरे जितने असातिज़ा हैं या तो बिनोरी टाउन से पढ़े हैं या दारुल कुरंगी से या जामिया फारूकिया से, तो हम कैसे इंकार कर सकते हैं बिला वजह के नफरतों का माहौल। तो ये जो कोरोना के बारे में भी जामियत रशीद का किरदार है, जो पहले दिन से है आज भी वही। जब ये अभी तो जामियत रशीद में फासले ख़त्म कर दिए, मिल के खड़े हो रहे हैं, 4-5 महीने पहले जामिया तो रशीद में तलबा ने कहा कि भाई ये फासले ख़त्म होने चाहिए। तो हमारे जो शेख हैं मुफ्ती अब्दुलरहीम साहब, हज़रत मुफ्ती अब्दुलरहीम साहब, उन्होंने फरमाया कि देखो, उन्होंने कहा अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी नहीं है। तो उन्होंने एक उसूली जवाब दिया कि हमने ना गवर्नमेंट के कहने से SOPs पर अमल किया था, ना हम गवर्नमेंट का इंतज़ार करेंगे, हमने डॉक्टरों के कहने पर ये अमल किया था, डॉक्टरों के कहने पर ही हम इसको छोड़ेंगे। उसूली बात, भाई डॉक्टरों ने कहा था कि फासले रखो तो हमने कर दिए, ये टॉपिक किसका है, ये तो गवर्नमेंट का भी टॉपिक नहीं है। डॉक्टरों के कहने पे शुरू किया था, अब ख़त्म भी किसके कहने पर होगा, डॉक्टरों के। तो जब जामिया में सबको वैक्सीन लगा दी तो डॉक्टरों ने कहा अब फासलों की ज़रूरत नहीं है। लंदन में भी SOPs ख़त्म कर दी गई हैं क्योंकि सबको वैक्सीन लग गई है, तो अब उन्होंने भी ख़त्म कर दी। तो अब वो एहतियातों का इसी वजह से नहीं कह रहे कि अब बहुत से लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, समझते हो या नहीं समझते, तो ये वैक्सीन पोलियो की हो गई या कोरोना की हो गई या किसी भी चीज़ की हो गई, ये उलमा का या मजहबी तबके का टॉपिक नहीं है। मैं मजहबी तबके से कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता दुनिया में अपना मजाक न उड़वाओ, पहले ही बहुत उड़ चुका है मौलवियों का मजाक, बहुत उड़ चुका है मजाक, तो अब मजीद मजाक ना उड़वाओ, पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है। अच्छा ये भी जहन में रखें, सारी दुनिया काफिर यहूदियों के एजेंट नहीं है। जब इसराइल का मसला खड़ा होता है ना यूनाइटेड नेशन में, सिर्फ अमेरिका यहूदियों का साथ देता है, पूरा यूरोप यहूदियों के अगेंस्ट है, फ्रांस यहूदियों के, वो फिलिस्तीनियों को मानता है, वो कहते हैं फिलिस्तीनियों को हक दो, फ्रांस हो गया और आपके जितने कंट्री हैं यूरोप के, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सारे तो फिलिस्तीनियों के साथ हैं, उनके मुल्कों में मुजाहरे होते हैं। सिर्फ एक अमेरिका है, क्योंकि वीटो पावर का हक है ना अमेरिका को, वो इसराइल का साथ देता है, लेकिन हम पूरे गोरों को क्या कर देते हैं, यहूदी ब्लैकलिस्ट। ऐसा भी नहीं है, आप ग्राउंड रियलिटी देखो जाके, दुनिया को जाके देखोगे तो पता चलेगा हो क्या रहा है। एक बरतानिया है जो इसराइल का साथ देता है, एक अमेरिका, बाकी तो पूरा यूरोप इसमें फिलिस्तीनियों के साथ है, वो तो वोट फिलिस्तीनियों के हक में देता है, लेकिन हमारे ऐसा ही इमेज है सारे। तो फ्रांस भी लगा रहा है टीके, वो भी यहूदियों के एजेंट, जर्मनी भी लगा रहा है टीके, ठीक है ना। एक पाकिस्तान में चंद लोग हैं जिनकी ये रिपोर्ट है कि ये टीके लगाने से क्या फैल रहा है, मर रहे हैं लोग, कोरोना फैल रहा है। तो ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा। मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया में गया तो उस वक्त कोरोना नया नया फैला था, मेरा वही वीज़ा था 3 महीने का। जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि बेटा ये बीमारी दुनिया में फैल रही है, अब सख्तियाँ होंगी और फ्लाइटें सबसे पहले बंद हो। तो मैंने वहाँ कहा कि मुझे पतली गली से निकलना है। बास लोगों ने कहा कि अब तो आपको मौका है यहाँ रहने का, यहीं रह जाओ, आपके पास एक गुजर है, भाई गवर्नमेंट को कह देना जहाज ही नहीं है तो कहाँ से जाऊँ। तो मैंने कहा मैं यहाँ रह के क्या करूँ, ये काम तो वो करे ना जो स्लिप होने के लिए जा रहा हो। हमने कहा हम तो भागेंगे भाई। मैं फ़ौरन स्पीड के साथ एक ही हफ्ते में फ़्लाइट बुक करा के, दुबई से कनेक्टेड फ़्लाइट थी, दुबई उतरा। दुबई उतराऊँ तो हु का आलम, ना बंदा ना बशर दुबई, दुबई की सारी फ़्लाइटें क्या हो गई, बंद, सब बंद पड़ा, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है फजाइया। इतने में एक मौलाना साहब का मैसेज आया,
और मौलाना भी यूनिवर्सिटी के भी पढ़े लिखे, मदरसे से भी बड़े हाई प्रोफाइल एजुकेटेड मौलाना, दीनदार, मैसेज आया, सिर्फ मस्जिदें बंद की जा रही हैं कोरोना में, सिर्फ मजहब को फोकस किया जा रहा है, इनसे बोलो बंद करना है तो सिनेमा घरों को बंद करो, एयरपोर्टों को बंद करो। और मैं दुबई में बैठा हूं, मुझे जहाज के अलावा दुनिया की हर चीज वहां नजर आ रही, जबकि मस्जिदें क्या थी, खुली हुई उस वक्त। नहीं नहीं, मैंने कहा यार इनको देखो, ये तो हकीकत का इनकार कर रहे हैं। मस्जिदें खुली हुई थी, सिर्फ मस्जिदें बंद करने की बातें हो रही थी, और अल्लाह का शुक्र है उस वक्त अब तक मस्जिद कम अज कम पाकिस्तान में अब तक बंद नहीं, सिनेमा घर बंद पड़े हुए हैं, और फजाइया का तो पूरा निजाम, कंपनियां बैठ गई हैं, घरों में तबाह हो गए हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा देखो यार, इनको सिर्फ मजहब से नफरत है, इनको सिर्फ किससे नफरत है, बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, आलिम भी थे उनकी, और कह रहे एयरपोर्टों को क्यों नहीं बंद कर रहे। मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा मैं दुबई एयरपोर्ट पे हूँ, यहाँ तो मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं पाकिस्तान पहुंच पाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है आखिरी फ्लाइट थी या उसके बाद एक आध और होगी, मैं आया, उसके बाद से फ्लाइटें बंद। मैं थोड़ी देर भी ताखिर करता तो मैं गया था, मैं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ऊँटों के साथ दोस्तियाँ लगाता फिर रहा होता वहाँ। अब क्या करें यहाँ, क्योंकि बयानात पर भी पाबंदी लग गई थी कि मजमा नहीं इकट्ठा कर सकते आप, तो हम क्या करते वहाँ जाकर, एक ही काम रह गया था हमारा बस, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, अभी इनके जहन में एक ही काम सवार हो, तो अब इसलिए भाई जो काम है उनका उनको करने दो यार। आप लोगों को नमाज रोजे की तरकीब दो, आप लोगों को जल्दी उठने की तरकीब दो, ठीक है ना। आप लोगों को बताओ जिना बुरी चीज़ है, आप लोगों को बताओ शराब बुरी चीज़ है, आप माँ बाप के, ये चीज़ें अंग्रेजों के पास नहीं, अंग्रेजों के पास अच्छे डॉक्टर हैं, माँ बाप के हुकूक बयान करने वाले गोरों के पास नहीं है, ये आप, ये उलमा का काम है, ये चीज़ अंग्रेजों के पास नहीं। इलाज कराओ डॉक्टर से, हलाल हराम का मसला किससे पूछो, उलमा से। तो इसलिए ये जो भाई ने इतने लंबी चौड़ी को बात की है, तो ना जामत रशीद वाले गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं भाई, कोई आज तक किसी उस्ताद ने हुकूमत से या फौज से कोई एक मुराद लेके 5 रुपए का भी प्लॉट नहीं खरीदा होगा, बल्कि उल्टा दिया ही है, इनको उल्टा दे ही रहे हैं, वो भी कहते हैं कि पहले लोग जो उल्टा हमको हदिया दे। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा वो जामे वाले मुझे निकाल दें, जो उनके काम है अगर मैं बताना शुरू कर दूँ ज़्यादा, क्योंकि मकसद किसी की तौहीन नहीं है, सभी काम कर रहे हैं। विफाकुल मदारिस से तो अल्लाह ने काम लिया, हम तो वही निसाब पढ़ा है विफाकुल मदारिस वाला जो हम आपके सामने बैठे हैं, और काम लेगा अल्लाह, लेकिन हर एक की फील्ड अलग अलग है। उन्होंने जिस नहज पे काम करना है उसके लिए उनको अलग बोर्ड जरूरी था, आपके अपना अलग कर लेते, पूरा बोर्ड बनाने की क्या जरूरत भाई, इतनी बड़ी तादाद में लोग चाहिए, तलबा चाहिए फारिग तहसील, उसके लिए बोर्ड जरूरी है। अब आप बैठेंगे तो आराम से आपको समझा देंगे, अगर आपको उनकी दलील समझ में ना आए तो आप कहें ठीक है भाई राय का इख्तलाफ है, हमें ये लग रहा है आपको वो सही लग रहा है, तो आप उस नहज पे काम करें, हम इस नहज पे काम कर रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जो सुबह शाम जामत रशीद के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने जामत रशीद में एडमिशन दिलाया है, क्योंकि इंसान अपने बच्चे के बारे में बहुत हसास होता है। एक साहब इंग्लिश के खिलाफ इतनी तकरीरें कर रहे थे और मुझे कह रहे थे जामत रशीद वाले इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, अंग्रेजों की जबान, यहूदियों की जबान, पहली क्लास से बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं और ये और वो, बहुत ज्यादा उन्होंने तकरीरें मेरे सामने की। मुझे किसी ने बताया इनका अपना बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में पढ़ रहा है, मैंने कहा आपका तो अपना बेटा आप उसको इंग्लिश सिखा रहे, कह रहे हैं मजबूरी है, क्या करें यार मुआशरे में चलना भी तो है। मैंने कहा वाह भाई वाह, आपके बच्चे की मजबूरी है, कौम के बच्चों की मजबूरी नहीं है, तो सब ठीक है। विफाकुल मदारिस वाले हमारे सरों के ताज है, हम तो सोच भी नहीं सकते, और अल्लाह ने इतना काम लिया है, हम तो वहीं से फारिग हैं। और ये भी सही है, हम ये नहीं कह रहे कि इनको सही कहो उनको गलत कहो, भाई दोनों ठीक है, क्यों खाम खा में लड़ा वो रहा है जो क्लैश कर रहा है आपस में, तो ये है सब। इसलिए कोरोना को अब तो वैक्सीन लग गई है, सबके ठुक गई है वैक्सीन, अब इतना मसला नहीं है।